हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। सीटेट के छात्रों का वेट खत्म होता हुआ अभी अभी सीबीएसई ने सीटेट के रिजल्ट पर काफी बड़ी अपडेट, काफी बड़ी खुशखबरी जारी कर दी है। साथ ही साथ 75 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे तो भी दोस्तों आप लोग पास होंगे। और अभी अभी सीबीएसई ने सीटेट के छात्रों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी जारी कर दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, बताते हैं आपको पूरी खबर। साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आगे भी सीटेट परीक्षा से रिलेटेड अपडेट आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक पहुंचा जा सके। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे आज तक की ऑफिशियल साइट है अभी अभी आप सभी के लिए सीटेट ने काफी बड़ी अपडेट जारी कर दी है। आप लोगों को बता दें अभी अभी सीटेट का रिजल्ट जो है यहाँ पे आप लोगों को बता दें लाइव हो चुका है। जितने भी हमारे छात्र सीटेट के रिजल्ट का वेट कर रहे थे सीटेट रिजल्ट 2021 आप लोग अपने अपने डाउनलोड कर पाएंगे सीटेट.nic.in पर। सीटेट रिजल्ट आप लोग यहां पे देखिए जारी हो चुका है, सबसे बड़ी अपडेट आ रही है आप लोगों के लिए। आप लोग बता दें सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट यहां पे अब आने जा रहा है। और आप लोगों को बता दें पहले भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 20 फरवरी से पहले आप सभी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब आप सभी लोगों को बता दें यहां पे काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। हमारे जितने भी छात्र हैं आप लोग देख सकते हैं 7:01 की अपडेट है, 34 मिनट पहले आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। आपको बता दें इस तारीख को जारी हुई थी आंसर की, आप लोगों की पहले भी पता हो गया था कि आप लोगों को 1 फरवरी को आप सभी की जो आंसर की है वो आ चुकी थी। और यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है, सीबीएसई सीटेट का जो रिजल्ट है अब 22 फरवरी 2022 तक की ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। जितने भी हमारे छात्र हैं इस बार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाया जाएगा रिजल्ट तैयार करने में, यानी कि 75 प्लस भी अगर आपके आ रहे हैं तो भी दोस्तों आप लोग इस बार सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको बता दें लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जितने भी छात्रों का हर डिसिप्लिन में पेपर लगा हुआ था उनके 10 से 15 अंक बढ़ जाएंगे, यानी कि 75 वाला छात्र भी इस बार पास हो सकते हैं।